जी तो अब मैं बोल रही हूँ सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो बग़ैर ब्रश के जो है ना बोलने का दिल नहीं जाता है, इसलिए तो अब मैं नमाज़ करके बैठी हूँ, नमाज़ पढ़ लूँ। ओगी ने भी तो अपना खाना वाना खा लिया, अब ओगी के नहाने का टाइम है, फ़ायज़ा उसको नहलाएगी। फ़ायज़ा का काम है, फ़ायज़ा की ड्यूटी ओगी को नहलाने की, वो उसको नहलाती है। फरिया की ड्यूटी उसको वॉशरूम तक ले जाने की, मतलब इनको पेट्स को आदत डालनी होती है ना, उनको रास्ते पूरे दिखाते हुए लेके जाओ कि वहाँ है तुम्हारा वॉशरूम, तो फरिया की ड्यूटी है। तो अब मैं पहले अपना ये वाला काम ख़त्म कर लूँ नमाज का, उसके बाद मैं अपनी मज़ीद सुस्ती दिखाऊँगी। तो अब मैंने अपनी नमाज़ पढ़ ली और अब मैं जाऊँगी फ्रिज में कुछ छानने खाने के लिए। और ये देखो हसन गंजा हो गया गर्मी की वजह से, हसन को बहुत गर्मी लगती थी, चौदवी का चांद हो गया इतनी छोटी सी टेंडर कैसा लग रहा है हसन? हाँ हटा दो, क्यों हटा दो, शर्म आ गया हसन को भी, गंजा हो गया। अब बज रहे हैं 3:30, 3:30 बज रहे हैं और मैं एक चीज़ दिखाती होगी। नहा के बैठा हुआ है यहाँ पे, नहा के कैसा लगता है ओगी 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 नहीं, मुझे नहीं 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 ओगी नहीं, बहुत लाड दिखाता ये है। नहाने के बाद बिल्लियाँ जो है ना एकदम से यूँ सुकड़ सी जाती हैं, उनके सारे बाल चिपक जाते हैं उनसे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बस मोबाइल लेके बैठ जाना है टीवी के आगे। ये 4 बजे की आ रही है न्यूज़ और ये बहुत अफसोस की बात है कि अब तारिक अजीज़ जो है इंतकाल कर गए हैं। बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में ट्वीट भी किया था, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। बहुत अच्छी शख्सियत थी तारिक अजीज़, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और अब ये टाइम जो है ना, ये रात जब तक लाइट नहीं जाएगी ना 6 बजे तक, तब तक बस अब टीवी के आगे ही बैठे रहना है और कुछ नहीं करना है। और क्या कहते हैं, जो जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है उन सब के लिए खुशी की बात कि उन सब की सैलरी जो है बढ़ गई 10%। मेरी अम्मी और मेरे पापा दोनों बहुत खुश थे क्योंकि दोनों की गवर्नमेंट जॉब है। और क्या कहते हैं, इमरान खान जब बजट अनाउंस हुआ था तब तो सैलरी नहीं बढ़ी थी, लेकिन फिर बढ़ गई, तो अम्मी तो बहुत खुश हुई थी। और न्यूज़ पे भी ऐसे आ रहा था, शाहजी छा गए, शाहजी छा गए, शाहजी ने कमाल कर दिया, सिंध के सूबे में सैलरी बढ़ा दी, अच्छी बात है। वरना तो मेरी अम्मी उदास बैठी हुई थी कि भाई सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रहे। अब जब तक लाइट नहीं जाएगी तब तक हम टीवी देखते रहेंगे। जाना मुझे पता है, ये देखो जी अब ये बिल्कुल ड्राई हो गया, इधर आ जाओ होगी, जल्दी से आओ होगी, क्या है क्या? तभी तो वाइट वाइट लग होगी। मेरी चाय है साइड में, होगी को चाय बहुत पसंद। हाँ जी, तो अब बज रहे हैं 5:45 बजे लाइट जाती है, तभी जो है हम तभी जो है हम रूम से निकलते हैं। अगर लाइट नहीं जाए, एसी चलता रहे ना, तो हम रूम से निकले भी नहीं। अब लाइट गई है, अब मुझे किचन में जाना, बर्तन धोने होगी। अब किचन में जाके बर्तन धोएगा, होगी बर्तन धोने है ना, अब बर्तन धोने हैं, उसके बाद राइस बनाना है। गर्मियों में रोज़ाना हमारे घर पर राइस बनते हैं। क्या देख रहे हो ऊपर? हाँ पर क्या देख रहे हो? ओगी भी जो है ना एसी में सोता रहता है, जैसे लाइट जाती है ना एसी बंद होता है तो ये उड़ जाता है। अरे बा वो रो रहा है बच्चों वाला, रोता है ऐसे। यहाँ पर ये राइस मैंने चढ़ा दिए और ये राइस देखिए चुटकी बजाते ही बन जाएंगे। अब ये बर्तन रखे हुए हैं, ये बर्तन भी मैं चुटकी बजा के धो लूँगी, देखना कैसे। जी की। तो आपने देखा कैसे मैंने चुटकी बजाते ही सारा काम कर लिया। आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। फरियाल क्या है, जाओ यहाँ से। आप अब मैं क्या करूँ, हर काम करने के बाद यही होता है कि अब क्या करें। तो अभी टाइम क्या हो रहा है, 7 बजने वाले हैं। अब मैं बाल बनवा लेती हूँ मम्मी से, क्योंकि अभी तक लाइट तो आई नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना है। गर्मी से मुझे नज़ला होता है। अभी मैं किचन में थी इसलिए मेरी नाक में जो है ना बिल्कुल लाल हो गई है, नज़ला स्टार्ट हो गया। और हाँ, मैं अम्मी से बाल क्यों बनवा रही हूँ, ऑब्वियसली सी बात है, बहुत लोग कह रहे होंगे। तो हमारी अम्मी जो हेयर स्टाइल बनाती है ना, वो गर्मियों में बहुत अच्छा हेयर स्टाइल होता है। पूरा अम्मी यहाँ से भी सारे बालों को पहले चोटी बनाती हैं, हल्का सा भी बाल जो है ना मुँह पे आता है ना ही गर्दन पे आता है, और उसके बाद फिर यहाँ से एक पूरी चोटी जारी होती है पीछे। तो ये हेयर स्टाइल जो है ना बहुत कंफर्टेबल होता है गर्मियों के लिए। तो आप लोग भी यही बनाएं। सुबह से तो मैं ये जूड़ा बना के घूम रही थी, लेकिन अब इसको चेंज करना है। क्या नींबू पानी पड़ा हुआ, ये रहा वो हेयर स्टाइल है अभी प्रोसेस में। हम आपको छत पर बैठे हुए इसलिए इतनी रोशनी हो रही है। तंग नहीं करो यार प्लीज, अम्मी और मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब करके रख दी है तुमने। अच्छा हाँ जी, देखा आपके बन गया पूरा हेयर स्टाइल। ना ही आपके फेस पे एक भी बाल आएगा और ना ही आपकी गर्दन पे। सिंपल ये एक चोटी है जो पूरे यहाँ से स्टार्ट होके जा रही है पीछे तक। ज़बरदस्त है ये। इस हेयर स्टाइल के लिए एक थंब। लाइट आ गई है और अब ओगी को सुला रही है ज़बरदस्ती। कौन सी लोरी सुना रही थी? लोरी सुनाई। अब 7:45 बजे जैसे ही लाइट आती है तो यहाँ से हमारा ड्रामों का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। एक तो अभी सतेली मामता आ रहा होता है 7:30 बजे का, जो ड्रामा है सोप ड्रामा जो होता है वो आ रहा होता है। और फिर सतेली मामता अगर कोई देखता है तो सही है, मैं तो नहीं देखती। अरीबा को बहुत पसंद है, अरीबा देखती है ये ड्रामा। मैं तो दीवानगी देखती हूँ, और दीवानगी जो है 8 बजे आता है। लेकिन हमें ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि कौन से दिन कौन सा ड्रामा आता है। मैं अम्मी से यही कह रही कि अम्मी मैं टाइम टेबल बना के ना दीवार पे लगा देती हूँ कि इस दिन ये ड्रामा आना है। लेकिन 8 बजे से लेके 10 बजे तक जो जो ड्रामे आते रहते हैं ना वो सब देखती हूँ मैं। और ये नया ड्रामा स्टार्ट हुआ है मोहब्बत उजला विदा, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन ये ना जो इंडिया की फ़िल्म है ना जुदाई, उसकी कॉपी है ये ड्रामा बिल्कुल। इसकी बेगम जो है ना इसको बेच देगी पैसों में इसकी बेगम को ना पैसों का लालच है, इसलिए बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा स्टार्ट हुआ है। आप भी देखें ज़रूर। अब 10 बजे के बाद डायरेक्ट रात के 3 बजे। जी हाँ, मुझे नज़ला इतना हो रहा था कि मैं मेडिसिन लेकर सो गई थी। और ये अक्सर होता है, जब भी मुझे रूटीन की वीडियो बनानी होती है ना तो कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है कि मेरे 5-6 घंटे ना निकल जाते हैं उसमें। तो मैं ये रात के 3 बजे उठी हूँ। तो ओगी उठा हुआ था, अब मुझे जो है पहले बात लेना था और फिर उसके बाद जो है। ओगी हटो मेरी गोद से, मुझे नहाने जाना है। हटो हटो भाई, ये सोफ़ा है क्या है, ये मेरी गोद है क्या है? चलो हटो भाई हटो, मुझे नहाने जाना है। उतरो मेरी गोदी से ओगी हटो। यार ऐसा शहजादा है ना, शहजादो बिल्लियों का शहजादा, बिल्लियों में से ज़्यादा ये मस्का वस्का नहीं लगा होगी। चलो हटो भाई, मुझे नहाने जाना है, उसके बाद मुझे वीडियो बनानी है, मुझे टिकटॉक बनानी है, देर हो रही है। हटो हटो, नहीं हटना। देखो ज़रा कैसे सोने की एक्टिंग कर रहा है होगी। मुझे नहाने जाना है, हटो भाई। ये कौन सी जगह है, ये सोफ़ा है क्या है, ये सोफ़ा है। चलो हटो, अच्छा बच्चा है ना। हाँ शाबाश, यहाँ पे सो जाओ। शाबाश हम बिल्कुल बच्चों की तरह पालते हैं बिल्ली को। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। तो नाउ 4:10 हो रहे हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि पता नहीं क्या क्या समझ नहीं आ रहा है, क्या रूटीन चल रही है। और ये रूटीन है, ये ऐसा नहीं कि एक दिन और 2 दिन, ये चल ही रही है और पता नहीं कब तक चलेगी। ठीक है, सही से बनाओ फरिया, सही ही बना चलें जी। अब हो गए हैं 4:30, चाय वाय डन, बाल डन। अब है नमाज के बाद। और ओगी जो है वो भी अभी तक इतना कोई फ्रेश है, इसको भी ना मैं अपने साथ सुलाती हूँ। क्योंकि अगर ये इसको मैं सारी रात सुला दूँ ना तो ये सारा दिन मुझे सोने नहीं देगा। ऐसे मैं इसको अपने साथ सुलाती हूँ, उसको जगाती हूँ। चाय पीता ये मज़े की बात, मवाली है ये, पार्टनर मिल गया मुझे चाय पीने का। और चाय पीता ही है। अब मैं नमाज़ पढ़ूँ, उसके बाद लास्ट काम रह जाएगा आटा गूंदू। रोटी नहीं पकाऊँ, रोटी हम नहीं पकाएंगे। जी तो नाउ इट्स 5:21 AM, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। अब मैं सोऊंगी, ठीक है। तो ये था 24 आवर विद मी। और इसमें मैंने क्या किया कि मुझे इतनी देर इसलिए हो गई कि मैंने टिकटॉक्स भी बना ली। अगर हाँ, टिकटॉक मैं सुबह सुबह बना लेती हूँ और ब्लॉग पे मैं उसी टाइम बनाती हूँ। तो अगर अंदाज़ा लगाना हो ना कि आज व्लॉग कौन सा स्काफ में आएगा, तो मेरी टिकटॉक देख लिया करें, उससे पता चल जाएगा कि आज कौन सा स्काफ में व्लॉग आ रहा है, ठीक है, या कौन सा ड्रेस है, या मतलब मैं किस तरह आ रही हूँ, ठीक है। और दूसरी बात कुछ भी नहीं है, अब ये होगी तो फुल मस्ती में, लेकिन मैं इसको ले जाके वहाँ बांध दूँगी, थोड़ी देर खेलेगा, उसके बाद सो जाएगा, क्योंकि AC चल रहा है। और ये इतना तेज़ है, इतना कोई शरीर है ये। AC जैसे बंद होता है ना, सिर्फ 15 मिनट्स गुजरते हैं जब तक कूलिंग है कमरे में, उसके बाद ये फ़ौरन से उड़ जाता है। इतनी इसको समझ है कि अब गर्मी हो गई है कमरे में। खैर, अब बस मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अब मैं जा रही हूँ सोने, और फिर उठूँगी मैं वही 2 बजे जहाँ से वीडियो स्टार्ट हुई थी। इन द लास्ट सब्सक्राइब माई चैनल, नॉट वो क्या था नाम, मायरा की टिकेट, मायरा की टिकेट, मायरा की टिकेट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट पिन कर दूँगी। तो मायरा की टिकेट को जो है ना, बहुत दिनों से मुझे कह रही है कि वो मेरे चैनल का शॉर्ट आउट दें, तो मायरा की टिकेट को जाके उनका चैनल ज़रूर विज़िट करें। मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैं उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं भी देखूँगी। तो मायरा की टिकेट नाम अच्छा है, मायरा की टिकेट। आप लोग जाके उनके चैनल को ज़रूर विज़िट करें। और मायरा, आप कमेंट कर देना, तो फिर मैं आपका पिन कर दूँगी। ऐसे सबका आसानी से आपका चैनल मिल जाएगा। और बस कुछ भी नहीं। इन द लास्ट सब्सक्राइब नॉट माई चैनल, सब्सक्राइब टू मायरा की टिकेट, लाइक माई वीडियो, कमेंट मी एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।